नमस्कार दोस्तों, YouTube के मी साइंस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कशन कराने वाले हैं जो बायोलॉजी का, तो स्पेशल ग्रुप डी और NTPC CB2 के लिए, ठीक है। तो दोस्तों इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक है। दोस्तों आप यदि सब सेट लगा लेते हैं तो आपको बायोलॉजी में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो दोस्तों देखिएगा जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऊतक क्या होता है, ठीक है। दोस्तों देखिए जो पूछा हुआ है, ठीक है, तो ऊतक आपको इसका सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है। वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखाने और ऊर्जा कार्य में समान होती है उसे कहा जाता है, ठीक है। तो दूसरा देखिएगा, उन कोशिकाओं के समूह को जिनकी उत्पत्ति और संरचना समान होती है और जो एक विशेष कार्य करने के लिए विशेषज्ञ प्राप्त होते हैं, उदाहरण के लिए शरीर में मांसपेशियों की कोशिका उन मांसपेशियों को बनाती है जो कोशिका की गति संबंधित को का क्या कहा जाता है, तो आपका सही आंसर बी हो जाएगा, ठीक है, ऊतक कहा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, रक्त क्या है, तो रक्त आपका क्या है, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है, एक संयोजी ऊतक है। रक्त क्या है, एक संयोजी ऊतक है, ठीक है, आपका सही आंसर सी हो जाएगा। फोर नंबर देखिएगा, मुंह की परत से बनी होती है, क्या बनी होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है, पपड़ीदार उपकला, ठीक है, इसके माउस एपी थीलियम, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, हमारे शरीर में कई अंग हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अंग सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा अंग बोल देगा तो त्वचा हो जाएगा, ठीक है, सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच ऊतक बनता है, तो आपका कौन सा ऊतक बनता है, वसा बनता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, दोस्तों ये चैप्टर जो 3 है ऊतक टिश्यू है, ठीक है। तो दोस्तों देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजी ऊतक है, तो आपका सही आंसर सी हो जाएगा, ठीक है, हड्डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, एस्टिफाइड इसके वेम्स एपिथेलियस किसमें मौजूद होता है, तो आपका सही आंसर डी हो जाएगा, ठीक है, त्वचा हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ऊतक में मैट्रिक्स होते हैं और कोशिकाएं मैट्रिक्स में सन्निहित होती है, तो आपका सही आंसर ए हो जाएगा, ठीक है, सीमेजी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, देखिएगा जो ग्रुप डी में पूछा है, ठीक है, पेशी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, तो पेशी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, मानव शरीर की त्वचा का सबसे बाह्य परत कहलाती है, तो कौन सी कहलाती है, एपिडर्मिस कहलाती है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से संयोजी ऊतक नहीं है, तो आपको तंत्रिका कोशिका हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, स्क्वैमस एपिथेलियम ऊतक फेफड़ों के अलवेली और जानवरों के अन्य हिस्सों में पाया जाता है, कहा जाता है, जहाँ संकुचन और विश्राम होता है, तो आपका सही आंसर ए हो जाएगा, ठीक है, अस्थायी होता है। नेक्स्ट देखिएगा, किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनती है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए, अधिचर्म कोशिका। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट देखिएगा, ऊतक के प्रकार ग्रंथि बनते हैं, तो आपका सही आंसर बी हो जाएगा, ठीक है, एपिथेलियस। नेक्स्ट देखिएगा, जंतु कोशिकाओं के वृक्ष को यांत्रिक समर्थन प्रदान करने के लिए एपिथेलियम इसकी आंतरिक परत निम्न करता है, तो आपका सही आंसर ए हो जाएगा, ठीक है, आयत कलिकी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, देखिएगा, हिस्टामिन स्रावक कोशिकाएं में पाई जाती है, तो आपका सही आंसर ए हो जाएगा, संयोजी ऊतक। नेक्स्ट देखते हैं, अवकाशोतक
के बीच एक पूरक उत्तक टिश्यू के काम करता है। तो आपका सही आंसर ए हो जाएगा, त्वचा और मांसपेशी। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, उत्तक ग्रंथियों का निर्माण करते हैं, बी वाई का। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तक समान पुल बनते हैं, तो आपका सही आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम। नेक्स्ट देखते हैं, फ्लोएम के अंतरिक्त निम्नलिखित में से अन्य सभी से मिलकर बना है, तो आपका सही आंसर बी हो जाएगा, फ्लोएम। ठीक है, फ्लोएम वाई का। नेक्स्ट देखिएगा, कौन सा स्थायी उत्तक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है, तो आपका सही आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, रक्ले ने काइमा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा की बाह्य त्वचा का कार्य नहीं है, तो आपका सही आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण करना। नेक्स्ट देखिएगा, अस्थायी उत्तकों के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना आकार देखिएगा 24 नंबर, अस्थायी उत्तकों के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना आकार और क्रिया अपनाने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो आपका सही आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, विभेदन। नेक्स्ट देखते हैं, 25 नंबर देखिएगा, उत्तक में कोशिकाएं जीवित लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती है, तो आपका सही आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, कोलेन काइमा। नेक्स्ट देखते हैं, सीप ट्यूब और सह कोशिकाएं मुख्य रूप से संरक्षण के लिए उत्तरदायी होता है, तो आपका सही आंसर सी हो जाएगा, पौधों में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, के जमाव के कारण ऋण उत्तक की कोशिकाएं भित्तियां मोटी होती है, लिगनिंग। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तने और जड़ों के शीर्ष पर पाया जाता है, तो आपका सही आंसर ए हो जाएगा, शीर्ष विभोज्योत्तक। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, के कारण स्क्लेन काइमा कोशिका की दीवार मोटी होती है, तो आपका सही आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, लिगनिंग। नेक्स्ट देखते हैं, देखिएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सरल अस्थायी उत्तक नहीं है, नहीं पूछा है। ठीक है, तो कौन है, तो आपका बी हो जाएगा। ठीक है, जाइलम नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन को संरक्षण करता है, तो आपका सही आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, जाइलम बोल देगा, इसको दारू भी बोला जाता है। ठीक है, जो संरक्षण करता है उसको जाइलम दारू बोला जाता है। ठीक, नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक मुख्य रूप से मृत कोशिका से बना होता है, तो आपका सही आंसर ए हो जाएगा, जाइलम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक का अंतर कोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है, तो आपका सही आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, पैरेन्काइमा। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तक एकमात्र पादप उत्तक है जो कोशिका विभाजन द्वारा नई कोशिकाओं का उत्पादन करता है, तो आपका सही आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, विभोजित और मेरिस्टेमिक। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, पौधे के तने में छल्लों के रूप में पाई जाने वाली आकृति जो उनकी वृद्धि होती है, निम्न में से उत्तक पाए जाते हैं, तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा, आपका सही आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, लैटरल मेरे एस्टमेटिक उत्तक। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, देखिएगा दोस्तों, उत्तक कोशिका अलग अलग प्रकार के अस्थायी उत्तक बनाने के लिए पृथक होती है, तो आपका सही आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, विभोजक उत्तक। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, कोलेन काइमा उत्तक की कोशिकाएं के कोनों पर मोटी हो जाती है, तो आपका सही आंसर सी हो जाएगा, सेलुलोज और पेप्टिडन। नेक्स्ट देखते हैं, रूट टिप या शूट टिप में कौन सा उत्तक पाया जाता है, तो आपका सही आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, विभोजक उत्तक। नेक्स्ट देखिएगा, एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है, तो आपका सही आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, आपका हो जाएगा लेटरल मेरिस्टेम। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, अग्रअस्थ मेरिस्टेम
के शीर्ष विकसित होती है, शिखा पर पाया जाता है। तो आपका सही आंसर ए हो जाएगा, तना और जड़ जड़ें। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, पौधे में प्राथमिक वृद्धि इससे होती है, तो आपका सही आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, पार्श्व विभव उद्दक बी हो जाएगा, ए वाला सॉरी बी हो जाएगा, जो थ्री हो जाएगा आ ए वाला फोर भी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, 42 नंबर, एरियोलर उत्तक अंगों के स्थान बढ़ता है, अंगों को सहारा देता है और उत्तक की मरम्मत करता है, कौन सा? तो अंदर के आंतरिक। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से किन उत्तकों में कोशिकाएं जीवित होती है और लंबी और खूनों का अनियमित रूप से स्थूल होती है, तो आपका सही आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, कालीन कायमा हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से पौधे के उत्तक कोशिका विभाजन में सच में है, तो आपका सही आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, विभिज्योतक। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, की कोशिकाएं मृत होती है, तो आपका सही आंसर बी हो जाएगा, दीर्घ उत्तक। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, वनस्पति उत्तक का परिपक्व पर जीवित प्रोटोप्लाज्मा धारण नहीं करता है, तो आपका सही आंसर सी हो जाएगा, दीर्घ उत्तक। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, अंतर्वेशीय विभिज्योत पाए जाते हैं, तो आपका सही आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, पत्तियों के तल पर। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा उत्तक युग्म संवहनीय बंडल का गठन करता है, तो आपका सही आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम। नेक्स्ट देखते हैं, साधारण अस्थायी उत्तकों के तीन प्रकार होते हैं, तो सी हो जाएगा। ठीक है, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्केलेन्काइमा। नेक्स्ट देखते हैं, किस प्रकार के उत्तक में एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, तो आपका सही आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, जटिल उत्तक हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, तो आपका सही आंसर ए हो जाएगा, सेलुलोज और पेकिटन। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, उत्तक का निर्माण मित्र कोशिकाओं के संयोजन से होता है, तो आपका सही आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, स्केलेन्काइमा हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, पौधे में फ्लोएम का कार्य होता है, तो आपका सही आंसर ए हो जाएगा, खादों का प्रवाह। नेक्स्ट देखते हैं, में कोशिकाओं को ढीला पैक किया जाता है ताकि बड़े अंतःक्रियात्मक रिक्त स्थान मिल सके, ए हो जाएगा आपका। ठीक है, मृदु तक। नेक्स्ट देखते हैं, में पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत गैर विशिष्ट कोशिकाएं होती है, तो आपका सही आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, पेरेन्काइमा। नेक्स्ट देखते हैं, 56 नंबर देखिएगा दोस्तों, अधिक अंत्र कोश के प्रसारण के लिए कोशिकाएं विरल रूप में संचित होती है, तो आपका सही आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, पेरेन्काइमा हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तक की कोशिकाएं बहुत सक्रिय होती है, इसमें घने कोशिका द्रव साइटोप्लाज्म पतली कोशिका रस भित्तियां मुख नाभिक की ओर रिक्त होती है, तो आपका सही आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, विभाजन तक मेरी स्टेटिक। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, विभिन्न प्रकार के अस्थायी उत्तकों का निर्माण के लिए उत्तक की कोशिका को अलग किया जाता है, तो आपका सही आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, मेरी स्टेमिट। नेक्स्ट देखते हैं, पादप उत्तक मुख्य दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन सी हो जाएगा आपका? ठीक है, विभिज्योतक, अस्थायी उत्तक। नेक्स्ट देखते हैं, एक जटिल अस्थायी उत्तक है, तो आपका सही आंसर ए हो जाएगा, फ्लोएम। नेक्स्ट देखते हैं, नारियल की छाल का निर्माण किस उत्तक द्वारा होता है, तो आपका डी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, एस्केलेन्काइमा हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा दोस्तों, निम्न में से कौन जाइलम का प्रकार नहीं है, तो आपका सही आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, सीव ट्यूब हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, पौधे में लचीलापन उत्तक का कारण होता है, तो आपका सही आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, कोलेन्काइमा हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों,
दृढ़ ऊतक से बना होता है, तो आपका सही आंसर बी हो जाएगा, निर्जीव कोशिका। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। रेगिस्तानी पौधे की बाह्य त्वचा एपिडर्मिस में एक मोटी हो मोटी मोमी परत होती है, तो आपका सही आंसर बी हो जाएगा, ठीक है, क्यूटीन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। वृक्षों में सामग्री के परिवहन ऊतकों को क्या कहा जाता है, तो आपका सही आंसर बी हो जाएगा, संवहनीय ऊतक। नेक्स्ट देखते हैं। एक वृक्ष की बाहरी संरचना परत होती है, तो आपका सही आंसर सी हो जाएगा, ठीक है, वर्लिकल हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए 68 नंबर। एक्वारेजिया में अम्ल का अनुपात होता है, तो आपका सही आंसर डी हो जाएगा, ठीक है, कितना होता है, 3:1 होता है। नेक्स्ट देखते हैं। ठीक, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, देखिएगा उत्तक विज्ञान में किसका अध्ययन होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तक विज्ञान में दोस्तों हो जाएगा आपका सही आंसर उत्तक विज्ञान में किसका अध्ययन होता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है, उत्तकों का होता है। नेक्स्ट देखिएगा, उत्तक एक है, क्या है उत्तक एक, तो आपका सही आंसर हो जाएगा समान कोशिकाओं का समूह, ठीक है, सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक करना और शेयर करना और कमेंट करना, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।